वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक साउथ कोरियन मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जिसका नाम है बर्निंग, जो 2018 में रिलीज हुई। उसी तरह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। अब जहां पर साइकोलॉजिकल मूवीज की बात आती है तो कहानी स्लो चलती रहती है, उसी तरह इस मूवी की कहानी भी बहुत ही आलसी है। मूवी का ड्यूरेशन 2.5 घंटे का है, लेकिन मूवी की कहानी इतनी सी है। लेकिन ये मूवी जाते जाते हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाती है, व्यूअर्स को सोच में डाल देती है कि आखिरकार एंडिंग में क्या हुआ। और इसी तरह इस मूवी को लेकर काफी सारे थियरीज बाहर आती है और हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग। कुछ लोगों को ये मूवी थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फाइनली इस मूवी का एंडिंग आप ही को डिसाइड करना है। और यहाँ पर मैं आपको वार्न कर दूँ कि इस मूवी में कुछ जगह पर थोड़े अडल्ट सीन्स है, सो आई रिक्वेस्ट यू थोड़ा पर्सनली देखिए ये वीडियो। एक्चुअली ये मूवी एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है, जिसका नाम है बर्निंग। उसी तरह इस मूवी को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। सच में काबिले तारीफ है ये मूवी, बहुत ही कम बनती है ऐसे मूवीज। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदे को दिखाया जाता है और उसका नाम है ली जंगसू, जो पाजू नाम के एक शहर में छोटे छोटे काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। फिलहाल यह बंदा कुछ डिलीवरीज देने के लिए जा रहा है, थोपड़ा मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। खैर, जब जंगसू किसी सुपरमार्केट आता है डिलीवरी देने के लिए, उस सुपरमार्केट के बाहर दो लड़कियां खड़ी रहती है कुछ प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हुए। राइट वाली बंदी का तो मुझे पता नहीं, लेफ्ट वाली बंदी का नाम होता है हैमी। जब जंगसू उस सुपरमार्केट से बाहर आता है तो हैमी इसको एक लकी नंबर देती है। तो कुछ ही देर में जंगसू एक गिफ्ट को जीत लेता है और उस गिफ्ट में एक लेडीज की वॉच होती है। जंगसू को देखकर हैमी जंगसू को पहचान लेती है। बचपन में ये दोनों नेबर्स थे। जंगसू को हैमी की बातें कुछ भी याद नहीं होती, क्योंकि हैमी ने अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाया होता है। बातों के दरमियान जंगसू हैमी से कहने लगता है कि ये एक्चुअली इस शहर में रहकर छोटे छोटे काम करते हुए नॉवल लिखने की कोशिश कर रहा है, मतलब जंगसू एक राइटर बनना चाहता है। और इसी तरह अभी अभी जंगसू ने एक गिफ्ट को जीता है, वो लेडीज पिंक वॉच हैमी को गिफ्ट करता है। खैर, रात होने के बाद ये दोनों किसी बार में मुलाकात करते हैं। बातों के दरमियान हैमी जंगसू से कहने लगती है कि ये अफ्रीका ट्रिप पर जाने वाली है और हैमी ये चाहती है कि हैमी के पास एक पुसी कैट है। जंगसू हर रोज उस पुसी कैट को खाना खिलाते रहे, उसी देखरेख करते रहे। जंगसू पूछने लगता है, तो अच्छा तुम अपनी पुसी कैट को मेरे पास छोड़ के जाओगी? हैमी कहने लगती है, नहीं नहीं, तुम मेरे घर आते रहना, मेरा फ्लैट यूज कर लेना। खैर, दूसरे दिन जंगसू अपने सारे सामान पैक करके हैमी के पास आता है। जब हैमी जंगसू को अपने अपार्टमेंट ले जा रही होती है, जंगसू अपने बारे में हैमी को सुनाने लगता है कि ये वापस भीड़ से अपने घर जाने वाला है। जब जंगसू छोटा बच्चा था, उसी वक्त जंगसू की माँ इसे छोड़ के चली गई। कुछ सालों पहले ही इसकी बहन की शादी हो गई और फिलहाल उस घर में इसका फादर रहता था कुछ फार्मिंग का काम करते हुए, लेकिन कुछ लीगल इश्यू की वजह से इसका फादर जेल में है और वो केस लड़ रहा है, तो उस फार्म की और घर की देखरेख करने के लिए जंगसू को वापस जाना पड़ेगा। खैर, जब जंगसू हैमी के घर जाता है तो उसका घर बहुत ही गंदा होता है, सारी चीजें बिखरी पड़ी रहती है। घर के अंदर जाने के बाद हैमी अपनी पुसी कैट को बुलाती है और उसका नाम होता है बॉयल। बॉयल को बुलाने पर भी बॉयल बाहर नहीं आती और मूवी के दरमियान जंगसू कभी भी हैमी की पुसी कैट को नहीं देख पाता। खैर, और कुछ बातें करने के बाद ये दोनों कांड करने में लग जाते हैं और कांड करने के दरमियान बेचारे जंगसू को पहनना नहीं आता, बेचारी हैमी उसे पहनाती है। शुक्र है कि जंगसू ने गुब्बारा समझकर डेकोरेशन नहीं किया। उसके बाद हैमी अफ्रीका के लिए निकल जाती है। जंगसू अपने घर आता है और शायद जंगसू बहुत ही सालों बाद अपने घर आता है, इस घर को और इस एरिया को एक्सप्लोर करने लगता है। वहीं पर इसके घर के पीछे एक गाय नजर आती है, तो हर रोज जंगसू इस गाय को फीडिंग करते रहता है। और इसी तरह इस घर के लैंडलाइन को हर हमेशा एक बंदा फोन करते रहता है, लेकिन जब जंगसू उस फोन को लिफ्ट करता है तो कोई भी आंसर नहीं देता। दूसरे दिन सुबह जंगसू अपने फादर की ट्रक लेकर हैमी के घर जाता है। जंगसू बिल्ली के बर्तन में खाना डालने के बाद उस बिल्ली को बुलाता है, लेकिन वो बिल्ली अपना प्यारा सा मुखड़ा नहीं दिखाती और बेड के नीचे एक छोटा सा डिब्बा होता है, उस डब्बे में बिल्ली की टट्टी होती है। ये देखकर जंगसू उस बिल्ली से कहने लगता है, अच्छा पहले अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाने के बजाय पहले तुम अपनी टट्टी दिखा रही हो, अब तो बाहर आ जाओ, अपना चांद सा मुखड़ा दिखा दो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अपना चांद सा मुखड़ा नहीं दिखाते। खैर, बिल्ली बाहर ना आने की वजह से जंगसू हैमी को याद करते हुए हैमी की फोटो देखते हुए मैस्टरबेट करने लगता है। और जब कभी भी जंगसू हैमी के घर आता है तो ये यही कांड करता है। उसके बाद एक दिन जंगसू कोर्ट जाता है अपने फादर की सुनवाई सुनने के लिए। कोर्ट खत्म होने के बाद जंगसू अपने फादर के लॉयर से मिलता है। जंगसू अपने बारे में बताने लगता है कि एक नॉवल लिखने की कोशिश कर रहा है। बातों ही बातों में वो लॉयर जंगसू से कहने लगता है
कि तुम अपने फादर से कहो कि तुम्हारा फादर जज को और विक्टिम को अपोलॉजी लेटर लिखे, इसी से तुम्हारे फादर की हेल्प हो सकती है। उस वक्त जंगसू कहने लगता है हाँ मैं अपने फादर से बात करूंगा, लेकिन मूवी के दरमियान ये अपने फादर से बात नहीं करता। खैर ऑलमोस्ट 15-20 दिन बीत चुके होते हैं, लेकिन अभी भी वो पुस्सी कैट जंगसू को अपना चांद सा मुखड़ा नहीं दिखाती। जंगसू हर रोज हैमी के घर आकर उस बिल्ली को खाना डालते रहता है, वो बिल्ली उस खाने को खाती रहती है। सारे घर ढूंढने पर भी जंगसू को वो बिल्ली नजर नहीं आती, और जब जंगसू मैस्टरबेट कर रहा होता है तभी हैमी जंगसू को कॉल करती है और इससे कहने लगती है कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ये नैरोबी एयरपोर्ट में 3 दिन से फंसी है और आज ये वापस आ रही है। जंगसू को एयरपोर्ट आने के लिए कहती है, तो उसी तरह जंगसू हैमी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाता है। हैमी को देखने के बाद जब जंगसू उसके गले लगने ही वाला होता है, गजब बेइज्जती हो जाती है। हैमी अपना मुंह फेर के एक और बंदे से इंट्रोडक्शन करवाती है और उसका नाम होता है बेन। हैमी और बेन की मुलाकात ट्रिप के दौरान हुई थी, ये दोनों लौटे कोरियन थे वहाँ पर, इसीलिए इन दोनों की दोस्ती हो गई। हैमी के साथ बेन को देखने के बाद जंगसू की क्या हालत हुई होगी, उफ ये मैं बयान नहीं कर सकता। खर्च के बाद ये तीनों रेस्टोरेंट आते हैं खाना खाने के लिए। बातों के दरमियान हैमी जंगसू को सनसेट का एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि अफ्रीका में इसने एक सनसेट देखा, पहले वो सूरज व्हाइट रहा, उसके बाद ऑरेंज में बदला, उसके बाद येलो में बदला, उसके बाद वो काला हो गया, और जिस तरह से वो सूरज ढल गया उसी तरह से हैमी इस दुनिया से वैनिश होना चाहती है। हैमी नहीं चाहती कि इसका वजूद ही इस दुनिया में रहे। इस तरह से अपने फीलिंग्स का इजहार करते हुए हैमी रोने लगती है, रोते रोते सो भी जाती है। खैर उसके बाद ये तीनों उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और यहाँ पर जंगसू ये सोच रहा होता है कि हैमी को जंगसू ड्रॉप करेगा उसके घर, लेकिन हैमी बेन की आलिशान कार देखकर वो उसके साथ जाने को पसंद करती है। यहाँ पर एक छोटी सी बात है, मैं आपको मूवी के एंडिंग में बताऊंगा। बेचारा जंगसू देखते ही रह जाता है। खैर दूसरे दिन जंगसू अपने घर आने के बाद जज को अपॉलॉजी का लेटर लिखता है। लेटर लिखने के बाद पहले जंगसू विक्टिम के घर जाता है शायद उस बंदे की साइन लेने के लिए, लेकिन उस वक्त वो बंदा अपने घर में नहीं होता। वहाँ से जंगसू मिस्टर मेयर नाम के एक बंदे के पास जाता है जिसके काफी सारे ग्रीन हाउस होते हैं, मतलब एक्चुअली जंगसू इस बंदे के पास भी उस लेटर पर साइन करवाने के लिए आता है। मिस्टर मेयर जंगसू के फादर को ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन जंगसू ने जिस तरह से लेटर लिखा होता है उस तरीके को पसंद करके मिस्टर मेयर उस लेटर में साइन कर देता है। तभी उसी वक्त हैमी कॉल करके अपने पास बुलाती है। जब जंगसू हैमी के पास जाता है रेस्टोरेंट में मिलने के लिए, वहीं पर वो बेन को भी देखता है, मतलब बेन ने ही जंगसू और हैमी को यहाँ पर इन्वाइट किया होता है। यहाँ पर कुछ बातें करने के बाद बेन इन दोनों को अपने घर ले जाता है। जंगसू ये देखता है कि सच में बेन का घर बहुत ही आलिशान होता है, इसके पास बहुत बड़ी गाड़ी होती है, मतलब दिखने में बेन बहुत ही रिच पर्सन नजर आता है। और इसी तरह जंगसू को आइडिया नहीं होता कि एक्चुअली बेन करता क्या है। थोड़ी देर बाद जंगसू को सुसु आने पर बाथरूम में जाता है। सुसु करने के बाद वो वहाँ के अलमारियों को चेक करने लगता है, तो एक ड्रॉयर में मेकअप किट होता है और दूसरे ड्रॉयर में कुछ लड़कियों की चीजें होती है, जैसे लड़कियों के ब्रेसलेट, इयर रिंग्स। खैर थोड़ी देर बाद जंगसू और हैमी ये दोनों स्मोकिंग करने के लिए बालकनी में आते हैं। बातों के दरमियान जंगसू हैमी से बेन के बारे में पूछने लगता है कि एक्चुअली बेन करता क्या है। हैमी को भी ये बात पता नहीं होती कि एक्चुअली बेन करता क्या है। वो कहने लगती है कि वो बचपन से ही रिच है। ये सुनने के बाद जंगसू बेन को गैट्सबे बुलाने लगता है, जिसका मतलब किसी को भी पता नहीं होता कि वो बंदा करता क्या है लेकिन वो रिच होता है। रात होने के बाद बेन जंगसू और हैमी को अपने बचे कुचे फ्रेंड से मिलवाने के लिए किसी जगह पर लाता है। रेस्टोरेंट के अंदर हैमी बेन को और उसके दोस्तों को अफ्रीका के लोगों का डांस दिखाने लगती है, मतलब किस तरह से अफ्रीका के लोग डांस करते हैं। हैमी को ऐसा नाचता हुआ देखकर जंगसू बहुत एम्बैरेस फील होने लगता है, और इसी तरह बेन के दोस्त हैमी पर हंसने भी लगते हैं। दूसरे दिन जब जंगसू अपने फार्म में काम कर रहा होता है, हैमी जंगसू को कॉल करके ये बताती है कि बेन और हैमी ये दोनों जंगसू के घर आ रहे हैं। सारा काम फटाफट से खत्म करके जंगसू इन दोनों का वेट करते रहता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों इसके घर आते हैं। एक्चुअली जंगसू का घर कंट्री साइड होता है, मतलब एकदम सिटी के बाहर। तो इस माहौल को देखकर हैमी इन दोनों से कहने लगती है कि वही दूरी पर हमारा घर था, लेकिन अब उसका नामो निशान मिट गया। हमारे घर के आसपास एक कुआं था, जब मैं 7 साल की बच्ची थी तो मैं उस कुएं में गिर गई। बहुत देर तक मैं रोती रही, उसी तरह मदद के लिए बुलाती थी। तभी जंगसू तुम मेरे पास आए, तुमने मेरी जान बचाई, उस कुएं से तुमने मुझे बाहर निकाला। लेकिन जंगसू को वो कुछ भी याद नहीं होता। वो दोबारा हैमी से पूछने लगता है, क्या मैंने ऐसा किया। खैर शाम होने के बाद ये तीनों सनसेट को देखने के लिए बाहर बैठते हैं, और उसी तरह यहाँ पर आते आते बेन ने मेरी जुड़ान को लेकर आया था, तो ये तीनों उस गांजे को फूकने लगते है। जंगसू पहली बार उस गांजे को ट्राई करता है, जिसकी वजह से बेचारा खांसने लगता है।
खैर बहुत गांजा फूकने की वजह से हैमी टल्ली होने लगती है। इसके कानों में एक अजीब सी म्यूजिक सुनाई देने लगती है और हैमी उस म्यूजिक को सुनते हुए अपने ऊपर के कपड़े उतार कर अफ्रीकन का डांस करने लगती है। थोड़ी देर बाद जोंगसू और बेन ये दोनों हैमी को घर के अंदर सुला देते हैं और फिर से ये दोनों बाहर आके बैठ जाते हैं और यहाँ पर बेन अपनी एक हॉबी को जोंगसू को सुनाने लगता है कि हर 2 महीने बाद बेन अबैंडन्ड ग्रीन हाउस को जला देता है, मतलब जो ग्रीन हाउस खाली पड़े होते हैं, यूजलेस होते हैं, बेन उन ग्रीन हाउस को जला देता है। और जब बेन जोंगसू के घर आता है तो रास्ते में बेन को काफी सारे ग्रीन हाउस नजर आते हैं। सो आने वाले कुछ दिनों में बेन एक ग्रीन हाउस को जलाने वाला है। जोंगसू पूछने लगता है कहाँ पर है वो ग्रीन हाउस और तुम कब जलाओगे उसे। बेन कहने लगता है बहुत जल्द ही और वो ग्रीन हाउस तुम्हारे बहुत ही करीब है। उसके बाद जोंगसू बेन से ये कहने लगता है कि ये हैमी से प्यार करता है। बेन इसकी बात सुनकर हंसने लगता है। तभी हैमी अपनी नींद से जाग के बाहर आती है। हैमी को देखकर ये दोनों कुछ भी बात नहीं करते। थोड़ी देर बाद बेन और हैमी ये दोनों जोंगसू के घर से जाने लगते हैं। जोंगसू हैमी से पूछने लगता है क्या तुमको जरा भी शर्म नहीं आई 2 मर्दों के सामने अपने कपड़े उतारने में। सिर्फ वैश्या ही ऐसे अपने कपड़े उतारती है। यह सुनने के बाद हैमी जोंगसू से नाराज होकर चुपचाप बेन के कार में जाके बैठ जाती है। जोंगसू बेन से कहने लगता है कि मैं ग्रीन हाउस पर नजरें रखूंगा। बेन कहने लगता है श्योर। तो दूसरे दिन से ही जोंगसू अपने घर के आसपास ग्रीन हाउस को चकरने में लग जाता है। हर रोज सुबह शाम जोंगसू यही काम करते रहता है। एक दिन सडनली हैमी जोंगसू को कॉल करती है लेकिन हैमी की कुछ भी आवाज नहीं आती। उसके बजाय कुछ ट्रैफिक साउंड्स और हैमी की भागने की आवाज सुनाई देती है। जब जोंगसू दोबारा हैमी को कॉल करता है तो वो अपना फोन लिफ्ट नहीं करती। उसी वक्त जोंगसू फौरन हैमी के घर जाता है लेकिन उस वक्त हैमी का घर का पासवर्ड चेंज हो चुका होता है। जोंगसू उस घर को ओपन नहीं कर पाता और एक्चुअली यहाँ पर जोंगसू इसलिए आता है कि वो उस बिल्ली को खाना खिलाए, लेकिन उस घर में ना हैमी होती है ना वो बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। जोंगसू वापस अपने घर आकर फिर से हर रोज उस ग्रीन हाउस को ढूंढने में लग जाता है लेकिन सारे ग्रीन हाउसेस सही सलामत होते हैं और जोंगसू सोचने लगता है कि आखिरकार बेन ने किस ग्रीन हाउस को जलाया होगा। इसी दरमियान में जोंगसू हैमी को कॉल करता है लेकिन उस वक्त हैमी का फोन स्विच ऑफ में रहता है। दूसरे दिन जोंगसू फिर से हैमी के घर जाता है, उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है। ये आवाजें सुनकर वहाँ की लैंडलेडी बाहर आती है। इस लैंडलेडी को देखकर जोंगसू इससे कहने लगता है कि इस घर में एक बिल्ली है, मुझे इसे खाना खिलाना होगा, प्लीज आपके पास मास्टर की होगी ना, दरवाजा ओपन कीजिए। वो लेडी कहने लगती है बिल्ली, मैंने बिल्ली को कभी नहीं देखा और इस अपार्टमेंट में बिल्लियां अलाउड नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो लेडी हैमी के घर के दरवाजे को ओपन करती है। घर के अंदर आने के बाद जोंगसू ये देखता है कि हैमी का घर बहुत ही क्लीन साफ होता है और इसी तरह उस घर में बिल्ली के कोई निशान भी नहीं रहते, मतलब उस घर में ना ही बिल्ली का खाना होता है और ना ही बिल्ली की टट्टी। उसके बाद जोंगसू बेन के घर के बाहर वेट करते रहता है बेन को फॉलो करने के लिए और उस वक्त बेन किसी रेस्टोरेंट में जाता है। जोंगसू भी वहां पर पहुंच जाता है और बेन से बहाना बनाने लगता है कि मैं बस इस रास्ते से गुजर रहा था और मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी, सो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। और जब कभी भी जोंगसू बेन से मुलाकात करता है तो बेन जोंगसू को उसके नावल के बारे में पूछते रहता है। जोंगसू बेन को हमेशा यही आंसर देते रहता है कि मैंने अभी भी अपनी किताब को स्टार्ट नहीं किया। तभी वहाँ पर एक लड़की बेन के पास आती है, बेन से माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि वो लड़की लेट आई थी। थोड़ी देर बाद ये तीनों उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। जोंगसू बेन को हैमी के बारे में पूछने लगता है कि हैमी कहाँ पर है, उसका फोन नहीं लग रहा। बेन भी यही कहने लगता है मुझे भी नहीं पता, मैंने भी उसे काफी दिनों से नहीं देखा। जोंगसू पूछने लगता है क्या हैमी किसी ट्रिप पे गई है। बेन कहने लगता है नहीं, वो किसी ट्रिप पे नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और इसी तरह वहाँ से जाते जाते बेन जोंगसू से ये कहने लगता है एक दिन हैमी ने मुझसे ये कहा कि हैमी तुम पर बहुत भरोसा करती है, सबसे ज्यादा तुम उसके करीब हो और पहली बार मुझे ये सुन के तुम पर जेलस फील होने लगा। एनीवे मैं चलता हूँ, कहकर बेन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जोंगसू हैमी के माँ बहन के रेस्टोरेंट आता है। शायद ये कोइंसिडेंस था या तो फिर जोंगसू इनके बारे में पता करके यहाँ पर आता है, ये इस मूवी में दिखाया नहीं गया। जोंगसू को देखने के बाद हैमी की बहन जोंगसू को पहचान लेती है और इससे पूछने लगती है क्या हैमी ने तुमको यहाँ पर भेजा। जोंगसू कहने लगता है नहीं और इसी बातों ही बातों में जोंगसू इन दोनों से पूछने लगता है क्या आपके घर के आसपास कोई कुआं था बचपन में, क्या हैमी उस कुएं में गिर गई थी। हैमी के माँ बहन कहने लगती है ऐसा कुआं तो हमने नहीं देखा और हैमी कुएं में कब गिरी थी ये हमें नहीं पता। हैमी को स्टोरियां बनाना बहुत पसंद है, शायद उसने तुमसे झूठ कहा होगा। इनकी बातें सुनने के बाद जोंगसू के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है। दूसरे दिन सुबह सवेरे जोंगसू मिस्टर मेयर के पास जाता है और उससे भी यही सवाल पूछने लगता है क्या पहले यहाँ पर आसपास कोई कुआं था।
मिस्टर मेयर कहने लगता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं उस कुएं के बारे में। खैर एक दिन जंगसू जब बेन को फॉलो कर रहा होता है तो बेन कंट्री साइड किसी लेक के पास आता है। जब जंगसू वापस अपने घर आता है तो फिर से उसके घर का लैंडलाइन का फोन रिंग होने लगता है और जंगसू फोन लिफ्ट करने पर वो एक्चुअली इसकी माँ होती है जो इसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरे दिन जंगसू अपने माँ से मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट जाता है। बातों के दरमियान जंगसू अपनी माँ से उस कुएं के बारे में पूछने लगता है कि माँ, हैमी की फैमिली को तो आप जानते हो ना, क्या उस वक्त उनके घर के आसपास कोई कुआ था? जंगसू की माँ कहने लगती है, हाँ एक कुआ था वहाँ पर, लेकिन तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? जंगसू जवाब नहीं देता। उसी दिन रात जंगसू बेन के घर के बाहर बेन का वेट करते रहता है, लेकिन तभी इत्तेफाक से बेन जंगसू को देख लेता है। बेन को देखने के बाद जंगसू बहाना बनाने लगता है, लेकिन फिर भी बेन जंगसू को अपने घर इनवाइट करता है। घर के अंदर आने के बाद जंगसू बेन के घर के अंदर एक बिल्ली को देखता है। जब जंगसू पहली बार यहाँ पर आया था तो ये बिल्ली यहाँ पर नहीं थी। बेन जंगसू को बताने लगता है कि इसने इस बिल्ली को किसी जगह से रेस्क्यू किया है और बिल्ली क्यूट दिखने की वजह से ये पाल रहा है, लेकिन बेन ने अभी तक इस बिल्ली का नाम नहीं रखा। और पता नहीं क्यों जब कभी भी जंगसू बेन के घर आता है तो इसे सुसू आने लगती है। खैर बाथरूम में जाने के बाद जब जंगसू उस ड्रॉयर को ओपन करता है तो इस ड्रॉयर में पिंक कलर की वॉच होती है और ये वॉच वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में जंगसू को गिफ्ट में मिली थी और जंगसू ने गिफ्ट के तौर पर हैमी को दिया था। तभी बेन के घर इसकी गर्लफ्रेंड आती है। दरवाजा ओपन होने की वजह से वो बिल्ली उस घर से बाहर चली जाती है तो ये तीनों लोग उस बिल्ली को ढूंढने में लग जाते हैं। तो फाइनली जंगसू को वो बिल्ली नजर आती है। जंगसू इस बिल्ली को किटी किटी कहकर अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन ये बिल्ली इसके पास नहीं आती। और जब जंगसू इस बिल्ली को उसके नाम से बुलाता है, मतलब बॉयल कहकर बुलाता है, तो ये बिल्ली जंगसू की गोदी में आ जाती है, जिसकी वजह से जंगसू का शक और स्ट्रांग बन जाता है। घर आने के बाद जंगसू अपनी गाय को बेच देता है। उसके बाद वो हैमी के घर आकर अपने नावल की कहानी स्टार्ट कर देता है। एक दिन जब बेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक मूड में होता है, जंगसू बेन को कॉल करके कंट्री साइड बुलाता है और एक्चुअली जंगसू बेन से ये कहा था कि मैं और हैमी ये दोनों बेन का वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब जंगसू बेन के पास आता है तो बेन हैमी के बारे में पूछता है, लेकिन तभी जंगसू एक चाकू लेकर बेन के पेट में बार बार स्टैब कर देता है। बेन उसी जख्मी हालत में अपनी कार के पास जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जंगसू बेन को बार बार स्टैब करता है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बेन जंगसू को गले लगा लेता है। खैर बेन को मारने के बाद जंगसू बेन की लाश को उसी कार में रख देता है और अपने सारे कपड़े उतार के उसी कार में फेंक के उस कार को आग लगा देता है और उसी ठंडी मौसम में बेचारा जंगसू अपनी ट्रक लेकर अपने घर चला जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब आते हैं इस मूवी की एंडिंग की तरफ। मूवी को देखने के बाद हमारे दिमाग में यही सवाल पैदा होता है कि एक्चुअली हैमी का क्या हुआ। तो यहाँ पर काफी सारे थियरीज और वेरिएशंस बाहर निकल के आते हैं। चलिए पहले हम ये मानते हैं कि बेन ने हैमी का कत्ल किया और इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ सबूत दिखाता हूँ। मूवी को देखने के बाद हमें ये बात पता चलती है कि शायद बेन एक साइको किलर हो सकता है, क्योंकि जंगसू ने बेन के बाथरूम में लड़कियों की कुछ चीजों को देखा था। और साइको किलर जब कभी भी अपने विक्टिम्स को मारते हैं तो अपनी कोई पहचान छोड़ के जाते हैं या तो फिर उनकी पहचान ले आते हैं एज ए सिग्नेचर के तौर पर। कुछ साइको किलर्स विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स लाते हैं, कुछ उनकी चीजें। तो एक्चुअली बेन भी यही कर रहा था। और जब हैमी मिस हुई थी, जंगसू ने बेन के बाथरूम में हैमी के वो पिंक वॉच देखी थी। और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बेन ने हैमी को क्यों मारा। जब जंगसू, हैमी, बेन ये तीनों रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे तो उस वक्त हैमी अपने फीलिंग्स को जाहिर करती है कि हैमी ये चाहती है कि ये इस दुनिया से मिट जाए, जिस तरह से वो सूरज डूब गया। और पहले से ही हैमी एक मिस्टीरियस लड़की रही, ये अपने फैमिली से मिलती नहीं थी, इसका कोई परफेक्ट जॉब नहीं था, तो किसी जगह पर हैमी अपनी जिंदगी को बहुत ही मुश्किल से गुजार रही थी। और जब बेन और हैमी ये दोनों जंगसू के घर आए थे, उस वक्त बेन ने जंगसू से ये कहा था कि ये एक ग्रीन हाउस को जलाने वाला है जो जंगसू के करीब है और ये हर दो महीने में ये कांड करता है। यहाँ पर ग्रीन हाउस का मतलब रियल ग्रीन हाउस नहीं है, बेन के हिसाब से ग्रीन हाउस का मतलब होता है लड़की, क्योंकि लड़की खूबसूरत होती है जैसे हरा भरा खेत। और उस वक्त बेन ने जंगसू को हिंट दिया था कि वो ग्रीन हाउस बिल्कुल तुम्हारे करीब है। और ऑफकोर्स जंगसू के करीब कौन था? हैमी। और जब हैमी आखिरी बार जंगसू को कॉल किया था तो वो घबराहट में थी, हैमी दौड़ रही थी शायद अपनी जान बचाने के लिए। और इसी तरह हैमी अपने रूम को कभी भी क्लीन नहीं किया करती थी। शायद बेन ने हैमी को मार के उसके रूम को क्लीन करके हैमी की बिल्ली को अपने पास उठा ले आया। सो ये सारी चीजें देखकर हमें ये बात पता चलती है कि बेन ने ही हैमी का कत्ल किया।
इसलिए जोंग-सू पुलिस के पास जाने के बजाय बेन को मार देता है क्योंकि बेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। दूसरी थियरी है, हम ये मान लें कि बेन ने हेमी का कत्ल नहीं किया। इसके भी कुछ सबूत है। जैसा मैंने पहले कहा था कि हेमी हमेशा से ही एक मिस्टीरियस लड़की थी। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद हेमी ये सोच रही थी कि शायद जोंग-सू इसे रोकेगा, अपने पास बुलाएगा। याद है ना आपको वो सीन। लेकिन यहाँ पर उल्टा जोंग-सू ये सोच रहा था कि हेमी बेन के साथ जाना ही पसंद करती है। इसीलिए जोंग-सू हेमी का सूटकेस अपने ट्रक से उतारकर नीचे रख देता है और सारी मूवी के दरमियान जोंग-सू हेमी को प्रपोज नहीं करता, अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं करता। ये सोचकर शायद हेमी बेन के साथ खुश है। लेकिन बेन ने ही जोंग-सू से कहा था कि हेमी की जिंदगी में जोंग-सू बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात सुन के बेन जेलस फील हुआ था। और जब हेमी जोंग-सू और बेन के सामने अपने कपड़े उतारकर नाच रही थी तो ये बात जोंग-सू को पसंद नहीं आती। हेमी को प्रोस्टिट्यूट कहकर बुलाता है। ये बात हेमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और हेमी ये सोचने लगती है कि शायद इसने जोंग-सू की नज़र में अपनी इज्जत खो दी और शायद जोंग-सू इसे अपनाएगा नहीं। इसीलिए हेमी जोंग-सू के मन में एक सवाल पैदा करके वो वैनिश हो जाती है। अब उस बिल्ली के बारे में बात करें तो शायद बेन ने सच में उस बिल्ली को बचाया होगा और बेन ये नहीं जानता था कि वो बिल्ली हेमी की थी। जब जोंग-सू ने उस बिल्ली को उसके नाम से बुलाया तो वो बिल्ली इसकी गोदी में आ जाती है। उसी तरह यहाँ पर तीसरी थ्योरी भी है और वो है जोंग-सू की नावल की कहानी। शायद जोंग-सू अपने नावल में बेन को एज ए साइको किलर की तरह दिखा रहा था, हालांकि हेमी जोंग-सू की जिंदगी से कब का जा चुकी होती है। सो बेन के बाथरूम में हेमी का वॉच नजर आना, बेन के घर में हेमी की बिल्ली नजर आना और उसी तरह जोंग-सू ने बेन को मार देना, ये सारा सब कुछ शायद जोंग-सू की नावल की कहानी हो सकती है जो जोंग-सू इमेजिनेशन कर रहा था। बताया जाए तो काफी सारे हिडन मैसेजेस है इस मूवी में, इसीलिए ये मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। सो काफी सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मिस हो चुकी है। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछना जरूर। तो उसी तरह आपको क्या लगता है, हेमी कहाँ पर चली गई? क्या सच में बेन ने हेमी को मार दिया? अपनी थियरी कमेंट में बताना जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।